उत्तराखंड विधानसभा में आज पेश होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल। सुबह 11 बजे सदन में रखा जाएगा विधेयक। 5 सदस्यीय समिति ने 13 महीनों में तैयार किया है यूसीसी का ड्राफ्ट। प्रवर्तन निदेशालय के खिलाफ दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। आतिशी ने ईडी के खिलाफ बड़ा खुलासा करने का किया है दावा। सुबह 10 बजे होगी पीसी। विधायक खरीद फरोख पर क्राइम ब्रांच की जारी नोटिस का आप लिखित जवाब देगी। सीएम केजरीवाल ने किया ऐलान। बीजेपी और दिल्ली पुलिस पर साधा निशाना। कहा ऐसे ड्रामे से तरक्की नहीं करेगा देश। शराब नीति में पूछताछ के समन का जवाब ना देने को लेकर ईडी की अपील पर 7 फरवरी को सुनवाई। ईडी ने सीएम केजरीवाल के खिलाफ राहुल द्रविड़ कोर्ट में की है शिकायत। इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्ञानवापी परिसर के तहखाने में शुरू हुई पूजा के खिलाफ याचिका पर सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने की है 31 जनवरी से पहले की स्थिति रखने की मांग। वाराणसी कोर्ट में ज्ञानवापी मामले में एक और याचिका दायर। याचिकाकर्ता ने की बंद तहखाने की भी एएसआई सर्वे की मांग। आज होगी सुनवाई। यूपी के बागपत के लाक्षागृह और कब्रिस्तान विवाद में 53 साल बाद आया फैसला। कोर्ट ने कहा कि जमीन कब्रिस्तान नहीं बल्कि महाभारतकालीन लाक्षागृह है। पीएम मोदी का आज गोवा दौरा। प्रधानमंत्री भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का करेंगे उद्घाटन। ओएनजीसी सर्वाइकल सेंटर का भी पीएम करेंगे उद्घाटन। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर अहम बैठक। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा महासचिवों के साथ करेंगे बैठक। चुनावी रणनीति और सरकार की नीतियों के प्रचार प्रसार की रणनीतियों पर चर्चा। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला। डीटीसी की बसों में अब महिलाओं के साथ किन्नरों को भी मुफ्त सफर का तोहफा। कैबिनेट जल्द लाएगी फैसले पर मोहर। राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर पीएम मोदी ने सदन में दिया जवाब। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर बोला तीखा हमला। विपक्ष को लंबे समय तक सत्ता से बाहर रखने का जताया संकल्प। पीएम मोदी ने आगामी लोकसभा चुनाव में 400 सीटें जीतने का किया है दावा। कहा कि अगले सत्र में दर्शक दीर्घा में दिखेगा विपक्ष। पीएम मोदी का कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमला। परिवारवाद, भ्रष्टाचार, महंगाई सहित सीमा विवाद को लेकर पीएम ने कांग्रेस को घेरा। कहा कि परिवारवाद की भेंट चढ़ गई कांग्रेस। पीएम मोदी ने राहुल पर कसा तीखा तंज। कहा कि कांग्रेस एक ही प्रोडक्ट को बार बार लॉन्च कर रही है। एक ब्रांड की लॉन्चिंग में कांग्रेस की दुकान पर ताला लगने की नौबत। पीएम मोदी ने विपक्ष की इंडिया अलायंस पर भी चुटकी ली। कहा कि कुछ दिन पहले भानुमति का कुनबा जोड़ा गया लेकिन अलायंस का ही अलाइनमेंट बिगड़ गया। कांग्रेस सांसद डीके सुरेश के अलग देश संबंधी बयान पर पीएम मोदी ने जताई चिंता। कहा कि देश के इतने बंटवारे के बाद भी कांग्रेस का मन नहीं भरा। प्रधानमंत्री मोदी ने जाति जनगणना दलित पिछड़ों की दशा पर भी विपक्ष को आईना दिखाया। खुद को सबसे बड़ा ओबीसी बताते हुए पीएम ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने का जिक्र किया। संसद में पीएम मोदी के तीखे हमले पर राहुल गांधी का पलटवार। एक्स पर पोस्ट कर कहा कि खुद को सबसे बड़ा ओबीसी बताने वाले मोदी जी पिछड़ों की गिनती से क्यों डर जाते हैं। पीएम मोदी के भाषण में पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू के भाषण का जिक्र होने पर शशि थरूर ने ली चुटकी। कहा कि 60 साल से ज्यादा पहले गुजर चुके शख्स के भाषण का जिक्र आखिर क्यों करते हैं। कांग्रेस सांसद तरुण गोगोई और बीएसपी सांसद दानिश अली ने पीएम मोदी के भाषण को अहंकारी बताया। वहीं तमाम विपक्षी नेताओं ने पीएम मोदी के भाषण को अंडरमार्क बताया। झारखंड विधानसभा में फ्लोर टेस्ट जीत गई चंपई सोरेन की सरकार। समर्थन में 47 तो विपक्ष में 29 विधायक। सदन में साबित हुआ बहुमत। झारखंड सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि हेमंत सोरेन की शुरू की गई योजनाओं को मजबूती से जारी रखने की ताकत मिली। 2 से 3 दिन में मंत्रिमंडल का विस्तार। राज्य सरकार के मंत्री और कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने कहा कि हमने दावों के मुताबिक 47 विधायकों का बहुमत साबित किया है। कांग्रेस नेता बन्ना गुप्ता ने कहा कि बीजेपी की साजिश लोकतंत्र के मंदिर में हुई बेनकाब। राष्ट्रपति शासन लगाने का मंसूबा नहीं हुआ पूरा। झारखंड में फ्लोर टेस्ट से पहले केंद्र पर बरसे हेमंत सोरेन। कहा कि मेरी गिरफ्तारी में राजभवन भी शामिल। इनको आदिवासी और दलितों से घृणा है।
चंपई सरकार को राहुल गांधी ने दी बधाई। राहुल गांधी बोले कि बीजेपी आरएसएस की साजिश को नाकाम किया। चंपई सरकार के सभी विधायकों को बधाई। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बीजेपी विधायकों की खरीद फरोख्त का काम नहीं करती है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने हेमंत सोरेन पर हुई कार्रवाई को करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा बताया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 24वां दिन है। खूंटी के शहीद भगत सिंह चौक से सुबह 8 बजे शुरू होगी यात्रा और गुमला में दोपहर 1 बजे कांग्रेस नेता की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 23वें दिन राहुल की रांची के शहीद मैदान में हुई विशाल जनसभा। राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला तीखा हमला। राहुल गांधी ने एक बार फिर जाति जनगणना को लेकर बीजेपी को घेरा। राहुल गांधी ने कहा कि वादे के मुताबिक हमने तेलंगाना में जाति जनगणना शुरू कर दी है। झारखंड के बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ में प्रवेश करेगी। 8 फरवरी को राज्य में एंट्री करेगी यात्रा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक वैज ने कहा कि यात्रा को लेकर कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ में चुनाव के दौरान हुई घटनाओं पर जताई गहरी नाराजगी। पीठासीन अधिकारी को लगाई कड़ी फटकार। मुकदमा दर्ज कराने की दी चेतावनी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने मतगणना के दौरान की वीडियो को लोकतंत्र का मजाक बताया। कोर्ट ने सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के दिए निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ निगम की सभी मीटिंगों पर लगाई रोक। कोर्ट ने कहा कि इलेक्ट्रोल प्रोसेस का मजाक हुआ। 1 फरवरी और 2 फरवरी को अगली सुनवाई, माफ कीजिएगा 12 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। अगली खबर, चंडीगढ़ मेयर चुनाव से जुड़ा एक और वीडियो आया सामने। वीडियो में रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीही मतपत्र पर साइन कर कैमरे की ओर देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। हेमंत ने अपनी गिरफ्तारी को दी थी चुनौती। 12 फरवरी को अगली सुनवाई। आप नेता संजय सिंह सोमवार को नहीं ले सके राज्यसभा सदस्य की शपथ। राज्यसभा सभापति का शपथ की इजाजत देने से इनकार। मामला विशेषाधिकार समिति के पास होने का दिया है हवाला। केंद्र सरकार ने आतंकी संगठन सिमी पर प्रतिबंध 5 साल बढ़ा दिया है। राज्य सरकारों को दिया अहम अधिकार। यूएपीए के तहत अब राज्य सरकारें भी कर सकेंगी सिमी पर कार्रवाई। केंद्र सरकार का लद्दाख को अलग राज्य बनाने के चल रहे आंदोलन के बीच बड़ा फैसला। नुमरा और जयशंकर को मिल सकता है जिले का दर्जा। राज्य में फिलहाल करगिल और लेह मात्र 2 जिले हैं। बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले हम अध्यक्ष जीतन राम मांझी का फिर झलका दर्द। मंत्रालय बंटवारे पर जताई नाखुशी। कहा कि मेरे बेटे को मेरे वाला विभाग ही क्यों, क्या हम अहम मंत्रालय नहीं संभाल सकते। राज्य मंत्रिमंडल में अपनी भागीदारी और विभाग बंटवारे को लेकर नाराज मांझी का फ्लोर टेस्ट पर बड़ा बयान। कहा कि 12 फरवरी को एनडीए के साथ ही रहेगा हम। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ के मंच से खुद को घोषित किया प्रत्याशी और नकुलनाथ ने कहा कि छिंदवाड़ा से कमलनाथ के मार्गदर्शन में मैं लड़ूंगा चुनाव। यूपी विधानसभा में श्रीराम जन्मभूमि राम मंदिर निर्माण के लिए बधाई संदेश पर बटी सपा। पीएम मोदी और सीएम योगी को बधाई दिए जाने का 14 विधायकों ने जताया विरोध। बिहार में एनडीए कैबिनेट की आज दूसरी बैठक है। सीएम नीतीश की अध्यक्षता में होने वाली बैठक के फैसलों पर नजर। 12 फरवरी को होना है नीतीश सरकार का फ्लोर टेस्ट। बिहार सीएम नीतीश कुमार का 7 फरवरी को दिल्ली दौरा। पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह से मुलाकात। आम चुनाव में सीट बंटवारे पर चर्चा। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा के साथ भी मीटिंग। बिहार में एलजेपी रामविलास अध्यक्ष चिराग का बड़ा बयान। राज्य में 11 सीटों के प्रभारियों का ऐलान। कहा कि ये सीटें हमारी प्राथमिकता, जहां से टिकट मिलेगा लड़ने को तैयार हैं। चिराग पासवान ने हाजीपुर जमुई खगड़िया समस्तीपुर वैशाली बेगूसराय नवादा जहानाबाद वाल्मीकिनगर सीतामढ़ी और गोपालगंज सीट के लिए प्रभारी का ऐलान किया। मध्य प्रदेश दौरे पर पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत अगले एक हफ्ते भागवत संघ से जुड़ी बैठकों में करेंगे शिरकत। संघ प्रमुख उज्जैन और मुरैना में 3-3 दिन रहेंगे। गुजरात विधानसभा में राम मंदिर के लिए सोमवार को संकल्प पत्र प्रस्तुत किया गया। सदन में कांग्रेस नेता अर्जुन मोटवाड़िया ने कहा कि कोर्ट के आदेश पर हुए मंदिर निर्माण का हम स्वागत करते हैं।
दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत, हर हफ्ते मिलेगी एक दिन की पैरोल। पत्नी के खराब स्वास्थ्य के मद्देनजर राव जुबेर ने कोर्ट ने दी है परमिशन। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और यूबीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने किया वंदे भारत ट्रेन में सफर। उद्धव ने अपनी पत्नी रश्मि ठाकरे के साथ चिपलूण से मुंबई तक का सफर किया है। जम्मू श्रीनगर NH 44 पर आज सुबह 8 बजे से 24 घंटे बंद रहेगा आवागमन। सड़क चौड़ीकरण के चल रहे काम की वजह से बुधवार सुबह 8 बजे तक गाड़ियों की आवाजाही बिल्कुल बंद। कश्मीर के कोकेनाग की दो जुड़वा बहनों ने बर्फबारी की वीडियो शेयर कर पीएम मोदी को दिया न्योता। जैवा और जैनब ने पीएम मोदी को बर्फबारी का लुत्फ उठाने का न्योता दिया है। यूपी के बजट में लखनऊ के लिए बड़ा ऐलान। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश करते हुए की घोषणा। 15,000 एकड़ में लखनऊ में विकसित होगी एरो सिटी। यूपी में 7,36,437 करोड़ 71 लाख का बजट पेश। वित्त मंत्री ने कहा कि यूपी इज ऑफ डूइंग बिजनेस में दूसरे स्थान पर है। वित्त मंत्री ने रोजगार के मुद्दे पर बजट में कहा कि सरकार अब तक करीब 6 करोड़ गरीबी से बाहर निकालने में रही है लोगों को सफल। सूबे में बेरोजगारी की दर केवल 2.4% है। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि बजट समाज के सभी वर्गों के लिए इसमें योजनाएं हैं। हम 2 लाख करोड़ का निर्यात कर रहे हैं। युवा, किसान, महिलाओं के लिए हमारी नीतियां हैं। तेजस्वी यादव के खिलाफ गुजरात में दर्ज मानहानि केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। तेजस्वी ने मुकदमे को गुजरात से बाहर ट्रांसफर करने की मांग की थी। तेजस्वी यादव ने एक नया हलफनामा दायर कर कहा कि उन्हें गुजरातियों को ठग बताने वाले बयान पर खेद है और बयान वापस ले रहे हैं। हाल ही में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने संकेत दिया था कि माफी के बाद तेजस्वी यादव के खिलाफ खत्म हो सकता है आपराधिक मानहानि केस। बारिश के बाद दिल्ली NCR में शीतलहर। मौसम विभाग ने कोहरे का येलो अलर्ट भी जारी किया। दिल्ली में 2 दिन बारिश के बाद बड़ी ठंड। मौसम विभाग के मुताबिक 7 फरवरी से पहाड़ों की शीतलहर ठंड बढ़ाएगी। शिमला में जारी है बर्फबारी और खड़ा पत्थर इलाके में बर्फबारी से शहर बर्फ की सफेद चादर में ढक गया है। श्रीनगर में बर्फबारी जारी है। श्रीनगर से ड्रोन की तस्वीरों में बर्फबारी कैद हुई। हिमपात के बाद बेहद खूबसूरत दिखा श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के राजौरी पीर पंजाल में ताजा बर्फबारी हुई। लोगों ने हिमपात का आनंद लिया। बर्फ की सफेद चादर से ढका जम्मू कश्मीर। 33 घंटे बाद खुला जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे। 2 दिन तक इन जिलों में होगी बर्फबारी। जम्मू कश्मीर में आज और कल मैदानी क्षेत्र में हिमपात के आसार हैं। कश्मीर में तापमान में भारी गिरावट। कुछ जगह 16 साल की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई। बांदीपोरा, बारामूला, गांदरबल, कुपवाड़ा और जम्मू क्षेत्र के डोडा, पुंछ और रामबन जिलों में 2400 मीटर से ऊपर की चोटियों पर हिमस्खलन होने का अनुमान। जम्मू कश्मीर में 5 फरवरी तक बर्फबारी, बारिश के आसार। पहाड़ों से लेकर ऊंचाई वाले मैदानों में हिमपात होगा। रामबन में दोनों तरफ फंसे वाहनों को जम्मू और घाटी की तरफ निकाला गया। बर्फबारी से बंद है मुगल रोड। देर शाम तक ट्रकों को कश्मीर की तरफ जाने की अनुमति नहीं दी गई। मालदीव में राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ुद्दीन ने सोमवार को पहली बार किया संसद को संबोधित। कहा कि 10 मई तक भारतीय सैनिक छोड़ देंगे मालदीव। भारत ने इंग्लैंड को दूसरे टेस्ट में 106 रनों से हराया है। 5 मैचों की सीरीज में की 1-1 की बराबरी। जीत के लिए 399 रनों के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की दूसरी पारी 292 पर सिमटी। भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह मैन ऑफ द मैच चुने गए। बुमराह मैच में उन्होंने 9 विकेट लिए। भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के बाकी बचे 3 मैचों के लिए आज होगा टीम इंडिया का ऐलान। विराट कोहली के अगले 3 मैचों में भी ना खेलने की संभावना है। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में शानदार दोहरा शतक जमाने वाले यशस्वी जायसवाल ने की सचिन तेंदुलकर से बात। सचिन तेंदुलकर ने की यशस्वी की बेहतरीन पारी की तारीफ। इंग्लैंड के खिलाफ राजकोट में 15 फरवरी से शुरू होने वाले तीसरे टेस्ट से बाहर हो सकते हैं बुमराह। बुमराह को आराम दिए जाने की अटकलें हैं।
अंडर 19 वर्ल्ड कप का आज पहला सेमीफाइनल और पहले सेमीफाइनल में भारत की मेजबान साउथ अफ्रीका से टक्कर। सहारा पार्क में भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा मैच। न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर रचिन रविंद्र ने खेली रिकॉर्ड पारी, साउथ अफ्रीका के खिलाफ ठोका पहला टेस्ट शतक। रविंद्र ने 240 रनों की खेली पारी।